वन विभाग ने हमीरपुर के बाईपास के पास एक व्यक्ति को वन में आग लगाते हुए पकड़ा है। इसके खिलाफ भारतीय वन एक्ट के तहत मामला दर्ज किया जा रहा है। विभाग के आरओ अजय चंदेल ने बताया कि शनिवार सुबह करीब 6 बजे आग लगाने की सूचना मिली थी। जब कर्मचारी वहां पहुंचे तो व्यक्ति वहां से भाग निकला। एक घंटे के बाद फिर वहां डंगकुबाली के पास फिर से यह व्यक्ति पहुंचा, ओपन में आग लगाने का कार्य शुरू कर दिया। इसी दौरान वहां वन विभाग के कर्मचारी पहुंच गए और उसे मौके पर ही पकड़ लिया गया। चंदेल ने कहा कि पकड़े गए व्यक्ति ने अपना नाम विशाल सोनी बताया है। उसके खिलाफ इंडियन फॉरेस्ट एक्ट के तहत कार्रवाई की जाएगी। पुलिस भी अपने लेवल पर वनों में आग लगाने की जाँच करती है। जी आज आप मौके पहुंचे, सप्ताह इधर क्या नुकसान हुआ और एक कौन बंदा इधर ये? सर ये कोई बाजार से अपना नाम बता रहा है, विशाल सोनी करके नाम है इसका, और सुबह मेरे को करीब 6 बजे के करीब करीब कोई इन्फॉर्मेशन आई यहाँ से कि जंगल में कोई आग लगा रहा है। ढांकवाड़ी के पास हमारा ये DPF ढांकवाड़ी है और यहाँ पे कोई आग लगा रहा है, तो मैंने अपना स्टाफ को वैसे ही मौके पे भेज दिया और मैं भी खुद मौके पे आया, तब ये आग लगा के यहाँ से चला गया। उसके बाद हमने आग बुझाई जी, और उसके बाद जैसे ही फिर से ये करीब करीब एक घंटे के बाद फिर से मौके पे आया और इसने फिर से दूसरी जगह आग लगाना स्टार्ट कर दिया, तो उसके बाद हमने इसको मौके पे पकड़ा यहाँ पे, और अभी इसमें जो भी हमने इसके बयान वगैरह ले लिए हैं और ये कुछ यहाँ से अभी जो पुलिस का एड्रेस को पता लगानी है प्रॉपर, लेकिन जो भी है जैसे ही छानबीन होगी वैसे ही छानबीन करते हैं, इसमें जो भी कार्रवाई उचित कार्रवाई बनती है वो हम करेंगे। सर क्या उचित कार्रवाई की जाएगी सर, क्योंकि वन संपत्ति से नुकसान काफी पहुंच रहा है सर, बार सर जंगल में लग रहा है सर, क्या कारण सर इसका सर, क्यों इनको पकड़ा जाता है? सर ये ऐसे शरारती तत्व हैं जो कि इंटेंशनली ये चीज़ करते हैं। अब इसका तो क्या मोटिव है, इसके पीछे यही बता सकता है क्या मोटिव है, लेकिन हम जैसे भी हमें इंफॉर्मेशन मिलती है हम इसमें एक्शन लेते हैं, और इसमें इंडियन फॉरेस्ट एक्ट 1927 सेक्शन 26 का सब सेक्शन बी और सी के तहत इसमें कार्यवाही बनती है, जो भी उचित कार्यवाही बनती है पुलिस को इसमें केस दे रहे हैं, जैसे ही जो भी कार्रवाई पुलिस इसमें कार्रवाई करेगी। सर क्या इनके सर मुकदमा दर्ज होगा या इसमें छोड़ा जाएगा? सर ये तो पुलिस ही बता पाएगी कि इसमें क्या उचित कार्रवाई करते हैं, वो भी अपने लेवल पे अपने इन्वेस्टिगेशन करते हैं, जैसे उनकी इन्वेस्टिगेशन होगी ज़्यादा पुलिस ही बताते हैं। बोलो, मैंने ये बाटिका की सफाई की ना, वो बाटिका की सफाई करके ना चलारू को साइड में करके तब उसको आग लगाई मैंने, वो आग लगा के ना जरा सी लगाई मैंने तो फैल गई, ऐसा कुछ नहीं है। सर आपने आग क्यों लगाई जंगल में? ये मैंने बाटिका साफ की, नवग्रह बाटिका है ये, इसकी सफाई की मैंने, ये हमारे पिताजी ने लगाई हुई है। तो सर जंगल में आग लगाना उचित है क्या? मैंने तो ये बाटिका की सफाई की, बाटिका को सफाई करके ना इसका चलारू पड़ा हुआ था, देखो ये चलारू पड़ा हुआ ना, मैंने इसको इकट्ठा तो किया। आपके चक्कर में पूरा जंगल जल चुका है, इसके कौन जिम्मेदार है आप? जंगल में तो ये मैंने तो सफाई की, आपने सफाई की जंगल की, लेकिन जो जंगल में आग नुकसान हुआ है उसकी भरपाई कौन करेगा? नुकसान तो कुछ नहीं हुआ इसका, ऐसे मैंने तो। हाँ जी, नुकसान तो कुछ नहीं हुआ सर, जंगल पूरा जल चुका है ये। कुछ नहीं है सर, कुछ नहीं, चला रही जला इसका।